हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एके मोटो टॉक। मैं हूं आपका गोश अक्षांश भट्ट और आज आपके लिए लाया हूं मैं ओकिनावा की लाइट जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाड़ी को आप एक बार फ्रंट की तरफ से देख लीजिए पूरी तरीके से। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन बनाई है और बहुत ही प्रीमियम लगती है गाड़ी, बहुत ही एकदम यूनिक लुक प्रोवाइड करती है इसकी डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर फ्रंट की तरफ देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लग रही है गाड़ी में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की बात करूँ तो इसके देख सकते हैं आप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। नीचे की तरफ दो चैम्बर में आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ आपको LEDs मिल जाती है जो कि हाई बीम लो बीम के साथ मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको DRLs मिल जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्ली LED आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि बीम कर रहे हैं, कितने नाइस लग रहे हैं यह, जो कि स्क्वायर शेप में आते हैं। यहाँ पर ओकिनावा का लोगो मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओकिनावा की बैजिंग मिल जाती है। व्हील्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्हील्स लग रहे हैं, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। मैं आपको अब ओकिनावा की आप बैजिंग देख सकते हैं, फिर से आपको ओकिनावा की बैजिंग मिल जाती है जिसके अंदर आपको लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर DRLs देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं फ्रंट की तरफ और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। आप एक बार साइड प्रोफाइल देख लीजिए इस पूरी गाड़ी का, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम स्कूटर टाइप लुक है इस गाड़ी का जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देता है इस गाड़ी को। यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो लाइटनिंग में रात को दिखता है, पावर द चेंज जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। नाइट की तरफ ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखती है, मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करूँगा आपके लिए नाइट विजन के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप फुट लैंप कितना अच्छा मिल जाता है, आप इसको ज़ोर से बंद करेंगे नहीं होगा, ये आराम से स्लोली से होगा जो कि सॉफ्टली होता है जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग देख सकते हैं आप, सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं स्टैंड के ऊपर भी देख सकते हैं आप, सिल्वर इंस्ट्रक्स मिल जाता है और नीचे की तरफ ब्लैक मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट की बैजिंग मिल जाती है आपको और ओकिनावा उसके पीछे फिर से लिखा हुआ है जो कि ब्लैक कलर में है सराउंड उसके। आप बैक प्रोफाइल देख लीजिए इस गाड़ी का पूरी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत लग रही है पीछे की तरफ से, बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है और इसकी जो LED जो है मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही पसंद आई है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ब्रेक लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से लगती है। यहाँ पर फिर से आपको लाइट्स के अंदर ओकिनावा की बैजिंग मिल जाती है, देख सकते हैं आप टर्निंग इंडिकेटर्स देख सकते हैं जिसके अंदर LED लाइट्स है जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है इस गाड़ी की। इस तरफ से आप देख लीजिए गाड़ी को दूसरी तरफ से, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसमें आपको नहीं मिल पाता है। यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप देख सकते हैं सेम आपको उस तरफ मिलता है वैसा ही यहाँ पर मिलता है, आपको स्मूथली करना पड़ेगा और ये बंद हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर सेम आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, इस प्रकार की की मिल जाती है जिसके अंदर कीलेस एंट्री इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, कीलेस स्कूटी जो कि फर्स्ट है पूरे इंडिया में। यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 बटन के साथ आपको एक की अवेलेबल हो जाती है, अनलॉक का बटन आप प्रेस करके रखेंगे तब जाके इसका जो बूट है वो खुल जाएगा, जो डिक्की है वो खुल जाएगी। मैं डिक्की खोल के आपको बैटरी दिखा देता हूँ इस गाड़ी के, अच्छा खासा बूट मिल जाता है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया इसका। देख सकते हैं आप इतना बड़ा बूट मिल जाता है, इसके आप हेलमेट आराम से रख सकते हैं। तो जो की दी हुई है उस की को आपको उधर अंदर डाल के खोलना है इसको तो बैटरी आपकी बाहर आ जाएगी। पहले प्लग को निकाल लेते हैं और स्विच को ऑफ कर देते हैं इस प्रकार से और फिर बैटरी को निकालेंगे। मैं बैटरी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 48 वॉट और 26 mAh की बैटरी मिल जाती है, लिथियम आयन बैटरी है जो कि अच्छा खासा कुशन मिल जाता है, कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है, थोड़ा बंद होने में टाइटली है अपन आप बैठोगे तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
यहाँ पर देख सकते हो ऑल ब्लैक आपको यहाँ पर मिल जाता है पीच कलर में, पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, पार्किंग लाइट, हेडलैम्प्स के, हाई बीम लो बीम के, हॉर्न और इंडिकेटर्स के, यहाँ पर हेडलैम्प्स ऑन ऑफ करने के, यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है आपको, यहाँ पर एक्सेलेरेटर मिल जाता है और यहाँ पर ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर कुछ क्रोम फिनिशिंग दी है उसके सराउंड, यहाँ पर आप यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, कुछ सामान फोन वगैरह आप की वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये कीलेस एंट्री वाली स्कूटी है, जो कि कीलेस स्कूटी है। यहाँ पर आप चार्जिंग कर सकते हैं स्कूटी की, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फुट स्पेस मिल जाता है, लेग रूम भी अच्छा मिल जाता है। तो लॉक और अनलॉक के कुछ बटन्स मिल जाते हैं, फिर आपको बटन प्रेस करके रखना है पुश स्टार्ट बटन का और कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं आप, हम प्रेस करके रखेंगे तो वापस बंद हो जाएगा। यहाँ पर अलार्म का दिया है, लॉक और अनलॉक का, यहाँ पर इस बटन को आप 3 बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह चालू हो जाएगी, बटन से भी आप चालू कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस गाड़ी का। तो चलो इस गाड़ी को चला के देख लेते हैं, हमने इस गाड़ी को बहुत ही अच्छा चलाया है, बहुत ही अच्छे से सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर और पावर में थोड़ा आपको लेट हो सकता है क्योंकि यह गाड़ी सिटी के लिए बनी हुई है, अब रूरल एरिया में भी चला सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब इस गाड़ी की रेंज बता दूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 60 किलोमीटर की फुल चार्ज में रेंज मिल जाती है, 2.5 घंटे में यह गाड़ी चार्ज हो जाती है अगर आपको डीसी फास्ट चार्ज से करते हैं तो। मैं अगर आपको इसकी एक शोरूम प्राइस बताऊं तो 59,000 की आपको 59.990 की आपको इसकी प्राइस हो जाती है, इस प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी यह गाड़ी। और मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कंपनी ने क्लेम की है, हालांकि आप ढलान पर जब जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ सकती है क्योंकि ढलान होती है। तो आप एक बार पूरी गाड़ी को देख लीजिए बराबर से, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, आपको यूँ राइडिंग हैंडलिंग भी बहुत ही अच्छी है कि आपको यूँ नहीं लगेगा कि मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहा हूँ, थोड़ा साउंड में आपको नहीं आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, आप नॉर्मल स्कूटी चला रहे हो वैसा ही लगेगा बट साउंड में नहीं आएगा इसलिए आपको ऐसा ही लगेगा। DRLs भी इसके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जब आपको बहुत ही ब्राइट DRLs है इस गाड़ी के आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग वगैरह में भी यह गाड़ी बहुत ही अच्छी है यह गाड़ी, हालांकि यह इस गाड़ी को बनाया ओनली सिटी के लिए है, पर आप रूरल एरिया में आपको ज़्यादा कवर नहीं करना हो, कम स्पीड में चलना हो, ट्रैफिक में चलना हो तो ये गाड़ी परफेक्ट है आपके लिए क्योंकि इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 25-30 किलोमीटर पर आवर है। मैं कहना चाहूँगा इस गाड़ी के अंदर 2 कलर ऑप्शन में गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाती है, जो कि ग्लोसी मेटालिक वाइट है और ग्लोसी मेटालिक ब्लू कलर में। इस गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने चलाया है, ब्रेकिंग वगैरह सब में अच्छे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैं क्या तारीफ़ करूँ इस गाड़ी की। अब मेन बात आ जाती है आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो चलो कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं इस गाड़ी को खरीदना चाहिए कि नहीं। मैं कंडीशन के हिसाब से बता देता हूँ, अगर आप सिटी में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो ऑब्वियसली आप इस गाड़ी को खरीदें क्योंकि आपको ट्रैफिक में आप ज़्यादा स्पीड्स में जा ही नहीं सकते हैं, हालांकि हाईवे के लिए गाड़ी बनी ही नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि हाईवे में यह गाड़ी चल नहीं सकती क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो भी इस गाड़ी को खरीद सकते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना हो, गाँव वगैरह में कहीं अंदर कहीं काम हो तो यह गाड़ी एकदम परफेक्ट है। तो आपको यह गाड़ी ख़रीदनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस पर जाके अब हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस गाड़ी को ख़रीद सके। हम कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं अगर आप हमारे रूरल एरिया में रहते हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।